गुजरात में, और एक में से दो बच्चा बच्चे भूखे हैं, मेल नरिश्ड हैं। आपको क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है, इज्जत की आपकी? भ्रष्टाचार किया, बलात्कार, सॉरी बलात्कार, बलात्कार, अब इमोशनल बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कहना चाहता हूं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। और एक और बात सुन लीजिए, आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं, गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। और अगर आप युवा कार्यकर्ता से बात करें, अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के बात से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। What Rahul Gandhi wants to do is empower the women in this country, needs to push democracy deeper into the country, it needs to push democracy into the villages, it needs to give women democratic power, it needs to give youngsters democratic power. It is about opening the doors of the Congress party, about empowering the youth. How is Narendra Modi responsible for the Gujarat riots? That women should be empowered, that democracy should go to your point about the Gujarat riots, and it is very important that women of this country, giving them true power. We talk about superpower, taking part in this type of thing abroad to book. But the real issue at hand here is empowering the women of this country. हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने